क्या सुनाओगे, सुनाइयो। अपना यही सिस्टम है। क्या सिस्टम है? स्टाइल से जीतता है छोरा, सिस्टम में रहता है। घर में रह रहे हैं तो मेरे सिस्टम से रहना पड़ेगा, ठीक है? ज्यादा बकवास मत करो मेरे सामने। क्या चाह रहे हो अभी? क्या दिखते हो उसको? एक तो तेरे सिस्टम में हैंग कर दो, इसमें सब कुछ दिखे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज आपका भाई लेके आया सबसे अलग प्रैंक, हाफ सैलरी प्रैंक, बहुत ही सबसे अलग प्रैंक है और देखना आपको बहुत मजा आएगा। और मैंने पता नहीं अपने बॉस से भी कह दिया कि भाई सैलरी थोड़ी सी बढ़ा के भेज देना, मुझे प्रैंक करना है। और मैंने एक अपनी फ्रेंड से भी बोला है कि तू ऐसे ऐसे करके मैसेज भेज दियो, इस टाइम भेज दियो। तो मैंने उसको सारी चीज़ बता दी है, सब कुछ बता दिया, प्रैंक के लिए इतना सब कुछ रेडी करा है मैंने जिसकी हद नहीं। और प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, फुल सपोर्ट दिखाइए अपने भाई को। यार बहुत मेहनत करते हैं हम, बहुत मेहनत, इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और प्लीज़ शेयर किया करो वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और देखते रहिए अपनी शौकीन वालों, देखते रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। अरे क्या यार प्रिया, घर में घुसो, तुम्हारे वही सास बहू के सीरियल, क्या चक्कर है यार प्रिया? यार मैं थक गया हूँ यार तुम्हारे सास बहू के सीरियल से। क्या बुराई है सीरियल में, कितना अच्छा आ रहा है। बहुत बुराई है यार, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ काम नहीं है इनको। क्या बोला तूने? यार देखने दो ना, चुप हो जा। शिक्षा देते हैं क्या ये? हाँ अच्छा, देख कितना अच्छा आ रहा है। देखियो क्या शिक्षा देते हैं, देखिए सुंदर लड़के, देखियो तो कभी तो यार। अरे जेठालाल कितना बढ़िया आता, उसमें कोई ना सास है ना बहू है, कुछ नहीं है, अपने हंसी मजाक करते रहते हैं मस्त। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। यार देख रहे ना तो क्या प्रॉब्लम होती है सीरियल से। अरे यार तुम देख रहे हो यार कि अच्छा आ रहा है, चुप हो जाओ थोड़ी देर। यार क्या है, रिमोट क्यों ले लिया? दिमाग खराब कर दिया। क्या देखिए यार, मैं फोन पड़ा होगा, चल पीछे दियो। मैसेज किसको आया है? मैंने देखने के लिए बोला है, मनु ने गई उठा के देख ले फोन में। बात तो सही है। यार क्या हो गया, फोन ले लिया तो देख ही तो रही हो। तुझे मेरे पे शक है क्या? फोन में जाकर लग रही है कोई प्राइवेसी नाम की चीज भी है क्या? नहीं किसी की प्राइवेसी होती है क्या? क्यों ना है क्या? यार देख ही तो रही हूँ, देख ही तो रही हूँ मैं। नॉर्मल आए बड़े यार। ओ वाह, आपकी सैलरी आ गई। हाँ तो 4 दिन लेट होगी। पर ये क्या? हाँ इसमें 50,000 बढ़ गई क्या आपकी सैलरी? हाँ बढ़ गई, लेकिन तो यार आपने तो मेरे को बताया भी नहीं, कब बढ़ गई आपकी? अरे बताने वाला था मैं, कब बढ़ जाएगी यार सैलरी। यार लास्ट मिनट आपने मेरे को 30,000 दिए थे, एकदम से कैसे बढ़ गई, क्या चक्कर है ये सब? नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। क्यों एकदम से कुछ नहीं बढ़ सकती क्या? तो एकदम से बढ़ती है, इतनी थोड़ी बढ़ती है, 20,000 50,000 अरे गलती से मैसेज आ गया होगा मेरे पास। गलती से? हाँ मेरी नहीं है ये, कैसे कर दे गलती से कितना? तो यार वहाँ इंसान बैठे है, गलती हो जाती है यार। झूठ तो नहीं बोल रहे को? मैं झूठ बोल दूंगा, मैं झूठते तो झूठ बोलने की जाऊंगा पहले बता। तेरी आपकी सैलरी बढ़ने वाली है? तो ईद तक पता चल गया तो कुछ हो गया, कुछ तो गड़बड़ लग रही है को। क्या गड़बड़ लग रही है? फिर से मैसेज आया, लगता है आप फिर उससे मैसेज आ रहा होगा। हाँ वो गलती से मैसेज, गलती से बड़ी हुई देती वो मैसेज आ गया होगा, वही गलत देती है मैसेज। ये तो व्हाट्सएप पे आया है, ये जानी का मैसेज आया है क्या? सैलरी आ गई तो पैसे क्यों नहीं भेजे अभी तक? क्या बोला तूने? ये क्या भाई, ये जानी का मैसेज आपके पास क्यों आया सैलरी के लिए? अरे यार उसने अपने पति के पास भेजा होगा, वो गलती से मेरे पास भेज गई। पति के पास भेजा? राजा जी, अब
अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। उसका पति बाहर नौकरी करता, तेरे को पता नहीं है? हाँ तो फिर पति के पास रहेगी ना, आपके पास भी रहेगी। अरे मैं तो बता तो रहा हूँ, वो अपने पति को भेज दिया कि तुम चीजें से भेज दिया। देवा औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। वो फिर वो से भी गलती हो गई, उससे भी गलती हो गई। नहीं एक इंसान से तो गलती हो जाए मान लूं, दोनों से गलती कैसे हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर गलती नहीं हो सकती प्रिया। अरे ये आपको ऐसे क्यों लिख रही है कि शहर भी आगे तो मेरे को पैसे भेज दो? आप उसको पैसे देते हो? ये फंस गया सी है। नहीं देता यार। 50,000, 3,000 मेरे को देते हो, 20,000 कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आप उसको पैसे देते हो, आप 20,000 पैसे उसको देते हो जाने को? अरे तेरे को किसी ने बोला यार? झूठ मत बोल, अभी फोन करो उसको। यार तुम पहले तो एक चीज बता, तेरे को किसने कहा मेरे फोन को हाथ लगाने के लिए? क्यों ना लगाओ, मैंने बोला था ना कि मेरे फोन को हाथ में। तू कितना शक पैदा होता है तेरे अंदर? सर वही उसका मैसेज आया ना आपके पास है। यार तो बॉस से भी गलती होगी, उससे भी गलती होगी, आप ही सबसे सही हो ना? तो क्या चाह रही हो बताओ, सच बताओ, सच क्या है? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बताओ क्या है सच? यार तो सच ही तो बोल रहा हूँ, मेरा सच सच नहीं, मेरा विश्वास नहीं कर सकती तू? बाहर का वालों को विश्वास कर रही है? बाहर का वही मैसेज आया, मैंने अपने आप को उसे लिखा है। तो मैसेज आया तो क्या चाह रहे हो आप? देते हो ना उसको पैसे? कोई मेरे को रुका हुआ जान से मार दूंगा, तू यकीन कर लेगी वो जान से मारेगा तेरे को? बात तो सही है। ये आप बातों को ना घुमा मत, ये तो आप पैसे देते हो उसको? नहीं देता। तो उसका मैसेज क्यों आया भाई? मुझे क्या पता, हर महीने इतना आप मेरे को 30,000 दे रहे हो और आपकी सैलरी 50,000 20,000 तो आप उसको देते हो हर बार। तू पागल हो रही है यार, कब से लेते आ रही है सब? यार तू समझ क्यों नहीं रही है? समझ रही हूँ, अभी समझी हूँ मैं, इतने दिनों से मैं अनजान थी। हाँ मेरे को लगा था कि आप सारी सैलरी मेरे हाथ में देते हो, कितना अच्छा लड़का है। मेरे को लगता है आप यही सब कर रहे हो, कब से आ रही है तवे को? यार तुम मैं कभी से नहीं दे रहा था, तू भी यार झूठ मत बोलो, मैं देख लिया मैंने, ठीक है ना? उस समय क्या देख लिया तूने? आपके पास पैसे आए? अरे वो ऐसे मैसेज क्यों करेगी भाई? सारे आगे तो पैसे भेज दो, बताओगे मुझे? दिमाग खराब कर दिया यार तूने, जब वो मैं कह रहा हूँ अपने पति के पास भेज रही हूँ कि मेरे पास भेज दिया गलती से? उससे भी गलती होगी यार, आपकी बॉस से भी गलती होगी। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर नहीं हो सकती, इंसान है मेरा तो। इंसान से मुझे मान लूं, दोनों से एक साथ कैसी गलती हो सकती है भाई? क्यों झूठ मत बोला, आप उसको पैसे देते हो ना? कब से दे रहे हो को? कब से दे रहा हूँ उसको पैसे? यार तुम ये बाड़म की रोज चल रही है, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना? पूछ ही ना रही है, तू तो चिंता बरस रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? शादी से पहले से दे रहे हो? हाँ। अपने आप को बताया तो नहीं, अब क्यों देते हो भाई? क्या चीज है उसको? डिंडोरा पिटने वाली चीज है क्या? अरे मैं तो कोई ना खुश थी कि कोई मेरे 20,000 से अरे कोई नहीं, मैं इसमें एडजस्ट कर लूंगी, तो भी आप उसको 20 देते थे? अरे 20 नहीं जब 10 देता था यार। बड़ा हरामी हो बेटा। शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुछ तो दी सोच में हद कर दी। यार तू क्या मारने लग रही है बार बार? क्या है? क्या है यार सुन, क्या क्या सुनाओगे? सुनाई हो अपना यही सिस्टम है। क्या सिस्टम है? स्टाइल भी होता है थोड़ा, सिस्टम में रहता है। अगर मैं रह रहा है तो मेरे सिस्टम से रहना पड़ेगा, ठीक है? ज्यादा बकवास मत करो मेरे सामने।
आया हम चलना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। क्या चाह रहे हो अभी? क्या दिखते है उसको? एक तो तेरे सिस्टम में एंकर तो है, इसमें सब कुछ दिखे है। क्या बोला तूने? मेरे को ये बताओ उसमें आपको क्या दिखता है जो आप उसके पीछे पड़े रहते हो? बोल तो दिया सर, पैसे उसके पीछे लगाने लगे हो, हम दिखते नहीं क्या आपको? तुम्हें दे तो रहा हूँ फीस, उसको तो फिर भी कम दे रहा हूँ। अरे पागल हो गए, क्या दिखता है भाई? क्या आपको ये नहीं दिखता? अपने परिवार में बच्चे नहीं दिख रहे? परिवार बच्चों को दे तो रहा हूँ फीस। तो उसको क्यों देखते हो? क्या चल रहा है उसका साथ? आप पैसा क्यों देते हो भाई? यार उसको तो शादी से पहले दे देता हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्यों, वो आपकी वाइफ है ना? तो फिर क्यों दे रहे हो? उसका उसकी शादी हो चुकी है, अपने हस्बैंड से लेगी ना वो। यार क्या है आपको? ये बताओ क्यों देते हो आप उसको? क्या चाह रहे हो आप बताओ? तू क्या चाह रही है? मैं नहीं बताऊँ, आप पैसे देते क्यों उसको? तू क्या चाह रही है? फुल सैलरी चाह रही है? हाँ मेरे को दो ना भाई, मैं वाइफ हूँ, मुझे चाहिए सारी सैलरी। क्या करेगी फुल सैलरी का? मैं चाहिए कुछ भी करूँ, मैं तो यार एडजस्ट कर करके थक रही हूँ। ये बंदे बाहर मजे ले रहे हैं, हद कर दिया यार आपने तो। तुम पागल हो रहे हो क्या? अरे यार उसकी माँ बीमार रहती है इसलिए देता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उसकी माँ बीमार रहती तो उसका भाई नहीं है, उसका पापा नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है, आप क्या रहते हो उसके? यार क्या चाह रहे हो? मैं यहाँ हर छोटे छोटे खर्चे के लिए अपने मैनेज करूँ, ये करूँ वो करूँ, अपने खर्चे के लिए देखती हूँ मैं अपने, मैं तो अपना हाथ बंद करूँ, कोई नहीं इस बार नहीं करूँगी, नेक्स्ट बार देख लूंगी, नेक्स्ट। मैं तो अपनी हर चीज को, अपनी हर ख्वाहिश को कम कर रही हूँ, और आपको कि ऐसे उड़ाने लगते हो? बात तो सही है। यार ऐसे क्या उड़ाने लग रहा हूँ? यार हद कर दिया आपने तो। उसको इसलिए देता हूँ थोड़े से महंगे महंगे। क्या महंगे महंगे? मेकअप ले ले थोड़े ठीक लगे। ये क्या बात करता है यार? क्या चाहिए मिलो, मतलब क्या चाह रहे हो आप? यार क्या है तेरे को दिक्कत है? अभी तो कह रहे थे कि आप उसी माँ के इलाज के लिए ले रहे हो। ये फंस गया सी है यार, झूठ बोलने के लिए खाद होती है यार। हाँ ठीक है यार, अब से नहीं दूंगा। क्या अपने आप विश्वास करो, अब से नहीं दोगे? इतने दिन उसे देखे आ रहे हो ना उसको, तो अब पता चल गया तो आप कह रहे हो ना फिर उस पीछे फिर दे दोगे आप? अरे अब तो तेरे को दूंगा मैं, अब फिर अगर तेरे को दे दूंगा तो मैं उसके देने के लिए कहाँ से लाऊंगा? यार हद कर दिया, ज्यादा नहीं हो रहा आपका? क्या ज्यादा नहीं हो रहा है, अब भी विश्वास नहीं है? क्यों देते हो आप ये बताओ ना? अभी तो कहते मां बीमार होती है तो देते हो, अभी ये कह रहे उसके ब्यूटी पार्लर के लिए अपने ठेका ले रहे हो उसका? सही पकड़े हैं यार ठेका, थोड़ा सा मिले जुले है तो अच्छी लगे, वो कपड़े वपड़े भी अच्छे पहन रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या अच्छा लगे उसे? हमें दिखता आपको कि हम हमें दे दो हम भी वो दिखती है यार तू हाथ बहुत चला है तू। हाथ क्यों नहीं चलाऊं मैं, ये बताओ ना क्यों क्यों गुस्सा हो रही है इतना? गुस्सा नहीं देता ना ना उसको तो फिर भी बीस देता, तेरे को तीस देता। तो क्यों देते हो ना उसको बीस? सारी हक मेरा है ना। क्या हक है? वो कोई आपकी वाइफ है क्या जो आप उसको देने लग रहे? माँ खराब कर रही है भाई, उसे खुद की खुद का हस्बैंड है वो देगा उसको? यार तू कैसी बोलती है, फोन दो मेरे को, मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। फोन दो मेरे को, फोन नहीं दूंगा, दिमाग खराब कर रही है। अभी सुनाती हूँ मैं। क्या सुनाएगी तू? क्या चाह रहे हो बताओ? माइंड डिस्टर्ब मत ना करे ठीक है? अच्छा माइंड मैनेज तो कर लूँगा। जब तेरे को एक बार समझा दिया कि अब से नहीं दूंगा फिर भी पीछे पड़ रही है, क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? रहने दो, अभी कह रहे हो नहीं दूंगा नहीं दूंगा, पीछे फिर से यही तो करोगे आप? क्या चल आपके साथ यार? तू क्या चल रहा है? तू हाथ बहुत चला रही है। क्यों ना चलाओ हाथ, क्यों गुस्सा कर रही है इतना? अच्छा आप ये सब करोगे, गुस्सा भी ना करो। नहीं क्या कर दिया ऐसा? अच्छा ये और पूछे क्या कर दिया? उसका बाकी भी रह रहा है क्या? दिमाग खराब कर रही यार, दिमाग मैं खराब कर रही हूँ? हाँ यार क्या चाह रहे हो बता दो ना। मैं कुछ ना चाह रहा, जब तक एक बार समझा दे नहीं दूंगा फिर भी छेड़ रही है। नहीं दूंगा, अभी कह रहे हो आगे से फिर से दोगे भाई? आगे
कहाँ से दूंगा, कहाँ से दूंगा तेरे को, दे दूँ सारी सैलरी फिर उसको कहाँ से दूंगा, भीख मांग के दूँ क्या? फिर बढ़ेगी बात तो सही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ यार हद कर दिया आपने। कौन बंदा कर दिया मतलब पीछे से ये सब कर रहा है, उसको पता है भाड़ है वो पीछे से ये सब कर रही है आपके साथ। कौन बंदा कर दिया, क्यों ना करूं के क्यों ना करूं के आप से कुछ करो वो ठीक है, मैं फोन भी नहीं कर सकता। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, गलती भी करो और फिर गुस्सा भी है यार, तेरा दिक्कत क्या है? अच्छा यार हद कर दिया आपने तो, इतना सब हो गया कुछ इतनी सी बात नहीं इतना बढ़ा देगी, ये इतनी सी बात है? हाँ हटो ठीक है ना, इतनी सी बात हट जाओ, हट क्या है? हटो नहीं मैं मम्मी पापा को बता के आ रही हूँ। कहाँ जा रही है? नहीं छोड़ो मैं पापा को बता के आ रही हूँ। ढिंढोरा और पिट्ठू की जरूरत ना होती क्यों ना बेटू, इस आप सब कुछ करो ठीक है, मैं ढिंढोरा में पिटू हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ढिंढोरा क्यों पिट रहा है तो बता यार, छोड़ो पैसे नहीं मैं बता के आ रही हूँ पापा को, छोड़ो मैं बता रही हूँ, गुस्सा मत दिलाओ मेरे को, क्या करेगी छोड़ो ना पागल हो क्या? सच में कुछ बात बता दी, रुक तो जा रुक तो जा। हाँ छोड़ो यार क्या दिक्कत है तेरे को, छोड़ो मैंने बोला छोड़ो मेरा यार, छोड़ रहे हो मेरी बात तो समझ, नहीं सुना मुझे आपकी कोई मेरी बात तो क्या है? अरे तो मेरी बात सुन, मेरी बात सच में मैं यार प्रैंक कर रहा हूं, ये कोई प्रैंक है मेरे साथ मजा, अरे सच में प्रैंक है। अब यार हर चीज को प्रैंक करना मत करो, कैमरा दिखा, हर चीज को कैमरा दिखाऊं कहां है दो बार वहां कहीं कैमरा नहीं है, मजा मजाक मत करो मेरे साथ, छोड़ो प्रैंक करना मत करो हर चीज को, ये ठीक है करती करो और हमारा पर देख नीचे पर देख, फिर उसने मैसेज जो करा ये बताओ आपको भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को झूठ बोल रहे ना आप, अरे सच में सच बोल रहा हूँ, समझ जाना यार, नहीं मेरे को नहीं समझ रहा ना, मेरे को छोड़ो, फालतू में दिमाग खराब करते रहते हैं। तो गाइस इसका मना लिया है, सच से बात भी करा दी है, अरे यार बात तो कर लिया,
अब फिर विश्वास नहीं हो रहा। हो गया, अब विश्वास होना ही था, पर अब प्रैंक के लिए कर दिया। क्या यार, उसको भी बोल दिया जानवी को, मैसेज कर दो, कर दो। मेरे को लगा कि सच में ही है ये सब। तो अरे यार, अपनी फैमिली के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, यूट्यूब फैमिली के लिए। अरे तो हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमारे व्यूवर्स को मजा कैसे आएगा। तो प्लीज गाइज, लाइक करें, जो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और देखते रहिए अपनी शौकीन ब्रोथ, देखते रहिए और हंसते रहिए। गेहूं का बेचिए।